बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बोरगांव में घटना घटी जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की पिटाई कर दी एवं लाठी से मारकर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। कड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। दोपहिया वाहन से जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानेगांव पीपलगांव रोड पर हुई। इस घटना में व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम चिस्टोला निवासी रमेश बकाराम मेश्राम, उम्र 48 वर्ष है। नागपुर रोड पर वाही जलाशय के पास भीवापुर से आ रही दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे की है। सुबह के दौरान चुलबन नदी घाट में अवैध रूप से रेत निकासी एवं परिवहन करते दो ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़ाए गए। उक्त कार्रवाई 8 अक्टूबर को सुबह 6 बजे के दौरान जिले के एलसीबी पुलिस द्वारा तहसील के तावशी स्थित चुलबन नदी घाट में की गई। बोड़ा गांव में एक दोस्त ने महज 60 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी। मृत युवक का नाम आकाश दानवे, उम्र 21 वर्ष है। आरोपी का नाम अल्पेश पटले है। दौनीवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मवेशियों के लिए चारा कटाई के लिए गए वृद्ध किसान की चक्कर खाने से मृत्यु हो गई। घटना 7 अक्टूबर को सामने आई। मृतक का नाम डोके सरांडी निवासी नीलकंठ दामा निसार, उम्र 70 वर्ष है। लाखनदूर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। तुमसर तहसील के मांडल ग्राम में अंबेडकर वार्ड में खेत की झोपड़ी में बंधी भैंसों की चोरी होने की घटना 7 अक्टूबर को सामने आई। मोहाड़ी पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।